आज हम बुनियादी तौर पे तीन बातें करेंगे जो कि हमारी लाइफ में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। एक है माइंडसेट, माइंडसेट जगह दें, माइंडसेट, और दूसरा है स्किल सेट, स्किल सेट, और तीसरा है टूल सेट। तो माइंडसेट क्या होता है भला? जब हमने कोई काम के लिए सोचा हो कि ये करना है या नहीं करना, या आपको कंफ्यूज की डेफिनेशन दे रहा था, अगर आप कंफ्यूज हैं, यू आर नॉट श्योर कि मुझे ये काम करना है नहीं करना, जैसे वो मैं बार बार बताता हूँ कि 100 डंडे भी खा लिए, 100 गंडे भी खा लिए, ये माइंडसेट है। Once you make up your mind, then through thick and thin, you stick it out. चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, जब एक दफ़ा इरादा कर लिया तो पूरा करो, वादा करो तो पूरा करो, कोई भी ना काम अधूरा करो। Simple as that. तो इसके लिए हमें एक mindset बनाना पड़ेगा, mind बनाना पड़ेगा, सोच बनानी पड़ेगी, इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। अगर कोई काम बहुत आसान लग रहा है, आपने कोई ठाना था कि मैंने ये मंजिल हासिल करनी है और वो आपको आसान लग रही है, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप डाउन हिल जा रहे हैं, आपका सफ़र उतराई की तरफ है, जब ही तो आसान लग रहा है। अगर आपका सफ़र ऊंचाई की तरफ होता तो जोर लगना था। माइंडसेट माहौल से बनता है, जैसा माहौल होता है ना वैसा माइंडसेट बन जाता है आपका। बर्ड्स ऑफ फैदर फ्लॉक टुगेदर, जिनके अंदर आप रहते हैं उस तरह का आपका माइंडसेट हो जाता है। अगर आप अचीवर्स के दरमियान में रहते हैं, फाइटर्स के दरमियान में रहते हैं, डूअर्स के दरमियान में रहते हैं, तो आपका माइंडसेट हो जाता है आई कैन डू इट, नाइकी, आई कैन डू इट। और अगर आप ऐसे लोगों में रहते हैं जो कहते हैं नहीं होना, ऐ नहीं हो सकता, फिर ऑब्वियसली यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड। The second thing that we need is skill set. मसलन mindset बना हुआ है कि मैंने 200 kg वजन उठाना है। अब्दुल्ला गए, वजन पड़ा था 100 kg इधर था, 100 kg इधर था, 20 kg की बार थी। Mindset इनका था बिल्कुल एकदम तैयार, must। वजन को हाथ लगाया, उठाने की कोशिश की, उठा पाए? क्या चीज मिसिंग थी? स्किल्स नहीं थी, हालांकि माइंडसेट जो था वो पक्का था, मगर साथ में स्किल होना। स्किल का क्या मतलब होता है? हुनर, एबिलिटी, हुनर होना, एबिलिटी होना, वो काम आपने सीखा हो और बार बार किया हो। यहाँ पे जब आप विलिंग वेज में आते हैं तो कोई ऐसा माहौल आपको फराहम करने की कोशिश की जाती है जिसमें आपका जहन बन जाए कि हमने नशे के बगैर बेहतरीन ज़िंदगी गुजारनी है। सो माइंडसेट बदलना है कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन, और फिर अप्लाई क्या करना है? स्किल सेट, तो बात बन जाएगी। ये जो एग्जेक्टिव स्किल्स हैं ये आपका स्किल सेट्स हैं, लिखा हुआ है ना ऊपर, एग्जेक्टिव स्किल्स। ये है अपने जज्बात को काबू में रखना। अगर आप अपने जज्बात को काबू में रखेंगे तो आपसे गलतियां या तो नहीं होंगी या कम से कम होंगी। अगर हमारे जज्बात जो हैं वो बिफरे हों और जो हम डिस्कस कर रहे हों वो बहुत ही कोई अहम बात हो,
और सामने वाला जो है उसकी बात से हम मुत्तफिक ना हो तो क्या नतीजा निकलेगा? बहस होगी, और अगर बहस बढ़ जाए तो लड़ाई हो जाएगी। इमोशंस को रेगुलेट करना बड़ा ज़रूरी है, ना तो बहुत हाई हो जाए, ना इतने हम दुखी और अफसरदा हो जाए कि हम किसी से मिलना जुलना ही बंद कर दें, ना हमारे इमोशंस ऐसे हो जाएं कि हम खुद उनको हैंडल ही ना कर सकें, उसको सही करने के लिए हमें कोई ड्रग यूज़ करनी पड़े। तो अगर आपकी इमोशनल मैनेजमेंट नहीं है, आप रेगुलेट नहीं कर सकते, तो जब कोई इम्पल्स आएगी तो नतीजा क्या निकलेगा? कंट्रोल नहीं होगा। आप वो काम कर लेंगे जो बाद में आप जिसके लिए पछताएंगे, रिग्रेट, नुकसान उठाएंगे, रिग्रेट करेंगे, मगर वो फिर जो दूध गिर गया उस पर रोते रहेंगे। क्या कहते हैं, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। वो तो गिर गया ना, आप पछताए क्या, होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो इम्पल्स को बर वक्त रोकना ये एक स्किल है, इमोशनल मैनेजमेंट। और ये जो स्किल है इसको आप क्या कह सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल। अच्छा जी, दूसरी क्या चीज़ है स्किल? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के पहले बात कर लेते हैं, फिर कॉग्निशन की भी बात कर लेते हैं। आप मुझे ये बताइए कि जनरली अगर किसी में लचक हो, जैसे कोई यंगस्टर होता है तो उसकी बॉडी में लचक ज़्यादा होती है, जैसे जैसे वो ओल्ड एज में जाता है उसकी बॉडी में लचक कम हो जाती है, और अगर कोई मर जाता है बॉडी स्टिफ हो जाती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी आप समझ गए हैं कि क्या होती है? अंडरस्टूड, क्लियर? फ्लेक्सिबिलिटी कोई अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, बताएं जी जर्क साहब। अच्छी चीज़ है। अगर आप अपने गोल से जुड़े हुए हैं, गोल से पक्के हैं, और आपको कोई माइल करने की कोशिश कर रहा है किसी और तरफ, तो आप अगर फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड हैं, तो यू विल ब्रेक। अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो आप अपने गोल पे ही रहेंगे चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। हमें कब, जब हमारी मर्जी की बात नहीं होती और अगर हम रिजिड हों तो हमें गुस्सा आ जाएगा, इरिटेट हो जाएंगे। जबकि हम फ्लेक्सिबल हों तो हम अपने अपने मंजिल मकसूद के लिए, अपने जो हमें चाहिए उसके लिए हम, अगर एक चींटियाँ होती है ना, अगर हम चींटी के आगे कोई उसका रास्ता रोक दें तो क्या करेगी वो, घूम के फ्लैक्स वो चेंज करके फिर भी अपना मंजिल को नहीं छोड़ेगी, साइड से। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या, तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम, मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज, मदद हासिल कीजिए क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए। कॉग्निटिव का क्या मतलब होता है? कॉग्निशन सोच। तो आप अपनी सोच में रिजिड ना रहें, आपको अपनी कॉग्निशन में फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर कोई मुश्किल आ गई है, कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो आपको इरिटेट कर रही है,
तो आप अपने सोच के धारे को बदल सकें। बहुत से आइडियाज़ आपके जहन में आते हैं, तो आप अपने आइडियाज़ को पूरा करने के लिए अगर फ्लेक्सिबल हैं तो आप उनको पूरा कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स, चीज़ें किस तरह से हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, फ्लेक्सिबल थिंकिंग। तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं किसी चीज़ के, पहले मसलन हो सकता है कि आप ये समझते हो कि नशा जो है वो बड़ी अच्छी चीज़ है, ये आइडिया हो सकता है, कॉन्सेप्ट हो सकता है। जब आप उसको नया अपग्रेड वर्जन आपको मिल जाए, उसका नया वर्जन, नया पैच, नई मालूमात मिल जाए, तो आप पुरानी छोड़ के नई मालूमात को इस्तेमाल कर लेते हैं। आप सबकी बीमारी में एक कॉमन बात है कि आप चाहते हैं कि जिस तरह से आपने लाइफ को सीखा है जो चीज़ें, वो परसिस्ट करें, वही चलती रहें, वही तरीका ठीक है, हालांकि उनसे आपने कई नुकसान उठा लिए हैं। और अब आपको बताया जा रहा है कि इसको थोड़ा तब्दील करें, और तब्दील करके इस तरह से ज़िंदगी गुजारें, मगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस आ रही है और आप अडेप्ट नहीं कर पा रहे, या करने में मुश्किल हो रही है। तो अगर आप में अडेप्टबिलिटी हो, कॉग्निटिव यानी सोच में उसको तब्दील करने का, सोच का धारा तब्दील करने का, नया सॉफ्टवेयर करने का, अपग्रेड करने का, आप में अगर ये हो स्किल, तो आप कामयाब हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। इसी तरह से एडजस्टमेंट किस चीज़ में चाहिए आपको, एतकादात जो हैं लोगों, आपको पता है आप किसी के एतकाद को हिलाने की कोशिश करें तो वो मरने मारने पे तुल जाता है। वो कोई रिलीजियस बिलीफ हो सकता है, वो कोई पॉलिटिकल बिलीफ हो सकता है, वो कोई भी ऐसा उसका एतकाद हो सकता है जिसको वो बिल्कुल किसी तरह से भी नहीं छोड़ने को तैयार। हालांकि एतकाद जो है उसमें भी नई नई बातें सामने आती हैं, और अगर आप सुने किसी की बात तो या तो आपको अपना एतकाद पुख्ता करने में मदद मिलेगी, यानी आपको पता चल जाएगा कि ये जो बात कर रहे हैं ये सही नहीं है लॉजिक की बुनियाद पे, या आप कहेंगे कि यार ये तो मैं पहले गलत सोच रहा था, अब मैं इसको अपग्रेड कर लेता हूँ, तब्दील कर लेता हूँ। तो कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होना, उसकी वजह से आप एडजस्ट नहीं कर पाते। बहुत सी जगहों पे एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम होती है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैल एडजस्टमेंट, मैल एडजस्टमेंट। बिलीफ से क्या जन्म लेता है, जैसी जैसा आपका एतकाद होगा वैसी आपकी सोच, जैसी आपकी सोच होगी वैसी आपकी फिर जिंदगी वैसी गुजरेगी। तो ये अपने अंदर आपने मुर्दे की तरह राइगर मॉर्टिस, एक जुमला होता है राइगर मॉर्टिस, राइगर मॉर्टिस का मतलब होता है कि मुर्दा क्या हो जाता है, अकड़ जाता है, और लिविंग बीइंग क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल। तो आप खुद फैसला करें कि आपने फ्लेक्सिबल होना है या आपने अकड़ जाना है। गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस की, अगर हमने किसी मंजिल तक पहुंचना है, गोल तक पहुंचना है, तो मसलन दरमियान में फुटबॉल पड़ा हुआ है, एक आदमी वो आया शहर तो उसने पहली दफ़ा देखा एक गेंद को लोग ठुड्डे मार रहे थे, तो उसने कहा कि ये काफ़ी सारे लोग इस गेंद को ठुड्डे क्यों मार रहे हैं, उसने कहा ये गोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा पहले ही तो इतना गोल है और कितना गोल करेंगे इसको। तो गोल, जब मैच शुरू होता है कोई बंदा शुरू करे गोल करना और फिर वो देखे कि यार इधर वाले तो बड़ा तंग कर रहे हैं, मुझे तो गोल ही नहीं करने दे रहे, तो वो वापस घूमे और अपनी गोल पोस्ट में जाके गोली उसको समझे कि मुझे पास देने आया है, और वो अपनी गोल पोस्ट में गोल कर दे। तो याद रखें कि जब भी आप
गोल करने जाएंगे आगे से क्या मिलेगी, रुकावटें मिलेंगी, मुखालिफत मिलेगी, हर्डल्स मिलेंगे, पाबंदियां मिलेंगी, ऑब्स्टेकल्स मिलेंगे, रुकावटें मिलेंगी। जब आप गोल कोई आप बनाएंगे, अपना गोल बनाएंगे, भाई मैंने अब आज से ड्रग्स नहीं करनी, तो कोई रेजिस्टेंस मिलेगी। ये अमूमी तौर पर रेजिस्टेंस कहाँ से आती है? अंदर से आती है। तो आपको परसिस्ट करना पड़ेगा, आपको फिर भी ताकतवर बनना पड़ेगा, आपको किसी ग्राउंड में जाना पड़ेगा, किसी टीम के पास जाना पड़ेगा, ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे जो आपको आपके गोल करने में मुआविन साबित हो। तो गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस जब होती है तो फिर भी आपको अपना गोल फौरी नहीं मिलता, रास्ते में क्या आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स, और उनको आपको क्या करना होता है, सॉल्व। तो कभी भी अपने गोल को ना भूलें, डायरेक्शन आपकी ठीक होनी चाहिए। अगर सामने रेजिस्टेंस आई और आपकी डायरेक्शन पलट के अपने गोल पोस्ट की तरफ हो गई तो काम खराब हो गया। तो डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए और परसिस्ट करना चाहिए। परसिस्ट करना यानी कि जमे रहना, एक काम को करते रहना बावजूद अंदरूनी और बैरूनी मुश्किलात के, एक चीज पर जमे रहना, डटे रहना, कंसिस्टेंट रहना, कोई बात बार बार करना, दैट इज बीइंग कंसिस्टेंट। और परसिस्टेंट का मतलब है कि मुश्किलात के बावजूद उस काम को करते रहना, वो कंसिस्टेंट है, यानी कोई काम बार बार करना कंसिस्टेंट, और परसिस्टेंट के मुश्किल के बावजूद इस काम के ऊपर छोड़ के मैदान न जाना, करते रहना, परसिस्ट करना। क्लियर? गोल भी क्लियर हो गया, डायरेक्शन भी होनी चाहिए। इसको हासिल करने के लिए प्रॉब्लम्स आएंगी और उनको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। वाइल्डली इम्पॉर्टेंट गोल, वाइल्डली इम्पॉर्टेंट गोल की मिसाल ऐसे है कि इंसान के दिल में कई गोल्स होते हैं। कुछ गोल्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं फिज़िकल गोल्स, फिटनेस गोल्स, वज़न की कमी करनी है, वेट रिडक्शन, फिटनेस, स्टेमिना, दीज आर ऑल फिज़िकल गोल्स। कुछ होते हैं मेंटल गोल्स, यानी हमने कोई तालीम हासिल करनी है, कोई बुक पढ़नी है, कोई हमने अपनी स्किल काम कंप्यूटर सीखना है, दीज आर मेंटल गोल्स। कुछ होते हैं रिलेशनशिप गोल्स, आपने अपने ताल्लुकात किसी से बेहतर बनाने हैं, दीज आर ऑल रिलेशनशिप गोल्स। चौथा होता है कि आपने अपनी अखलाकियात को बेहतर करना है, किरदार को बेहतर करना है, शख्सियत को बेहतर करना है, एथिक्स को बेहतर करना है, ये हैं स्पिरिचुअल गोल्स। दीज आर ऑल गोल्स, स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल, सोशल। और आपको पता है ये चारों डोमेन्स हैं। और आपको पता है नशे की बीमारी इन चारों को रगड़ देती है, बायो, साइको, सोशल एंड स्पिरिचुअल। तो अगर हम इन पे काम करें, इसमें से हमें ये चुनाव करना है कि कोई भी चीज, यू आर एन एक्सपर्ट ऑन मैकेनिक्स, कोई ऐसा पुर्जा होता है जिसके ऊपर हर चीज टिकी होती है, अगर वो पुर्जा निकाल दें तो सारा स्ट्रक्चर ढांचा ढेर हो जाएगा, जैसे किसी बिल्डिंग के पिलर हो गए। तो इसी तरह हर चीज़, हर मैकेनिक्स, हर मशीन का कोई एक ऐसा पुर्जा होता है जिस पे वो टिकी होती है, उसको बोलते हैं लिंच पिन, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं लिंच पिन। अगर आप वो पिन खींच दें तो बाकी सारा किसी काम का नहीं, फारे। आपने हर चीज़ अचीव कर ली, अगर वो काम ना किया, लाइफ ठीक नहीं होने वाली। ठीक है जी, ये तीनों पॉइंट्स मेरा ख्याल आप समझ गए हैं। So your wildly important goal is your recovery and your mood management, and come what may, you will not do drugs. Chahe kuch bhi ho jaye. Thank you so much.
अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठो। गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।